हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, थोड़ी देर पहले मेरी दुकान में एक लेडीज कस्टमर आई थी, वो अपने 7 साल के बच्चे को दुकान में छोड़ के कहीं चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई। ओ जेठालाल जी, सुबह जब मेरे पास दूसरे के जेवर थे तब तो आप मेरी फिरकी ले रहे थे, और अब दूसरे का बच्चा आपने अपनी दुकान पे रख लिया। अरे भाई, ये जानबूझ के इसको हमने हमारी दुकान में नहीं रखा। मैंने बोला ना, एक लेडीज माँ अपने बेटे को दुकान में छोड़ के गई है। अरे कोई भी माँ अपने बच्चे को तुम्हारी दुकान पे क्यों छोड़ के जाएगी? देखो भाई जेठालाल, तुम जितना सोच रहे हो ना, ये मामला उतना साधारण नहीं है, बहुत संगीन है। संगीन? और नहीं तो क्या। जेठालाल, तुम्हें पक्का यकीन है कि जो औरत तुम्हारी दुकान पे बच्चा छोड़ के गई है, ये बच्चा उसी औरत का है? क्या मतलब? मतलब जेठालाल, दुनिया में कितने गुनाह हो रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन बच्चों के अपहरण होते हैं। हो सकता है किसी किडनैपर ने बच्चा किडनैप कर लिया हो और फिर पुलिस के पकड़े जाने के डर से तुम्हारी दुकान पे छोड़ दिया। अगर पुलिस को पता चल गया ना जेठालाल, तो तुम पे किडनैपिंग का, अपहरण का चार्ज लगेगा। अरे मेहता साहब, ऐसा डराइए मत भाई। क्यों बेटा, भूल गए? सुबह तुम मुझे कितना डरा रहे थे, अब जब मैं डरा रहा हूँ तो चींटियां काट रही है। सुबह मैंने कभी डराया आपको? वाह बेटा, मैंने कब डराया आपको? याद करो, सुबह भिड़े भी था। अभी मान लो मेहता साहब बैंक जाते जाते रास्ते में आपका बैग फट गया, ज्वेलरी गिर गई तो? अरे फटेगा क्यों? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बैग नहीं फटता है, लेकिन आप रस्ते से जा रहे हो और किसी ने एकदम ऐसे आपका छीन लिया तो? अरे क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो यार? नहीं, लेकिन मेहता साहब ये हो सकता है? अरे क्या हो सकता है यार, मेहता साहब होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या करूं यार, कहां जाऊं, कहां रखूं इस बैग को? मेहता साहब इतना टेंशन होता है तो एक बात की गांठ बांध लीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी या दूसरों का टेंशन अपने सर पे लेने का ही नहीं, दूर से ही नमस्कार कर देने का। और क्या कह रहे थे तुम? दूसरों की जिम्मेदारी कभी अपने सर पे लेनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी ऐसी गलती ही नहीं करता हूँ, दूसरों की जिम्मेदारी हो, दूसरों का टेंशन हो तो दूर से ही नमस्कार कर देने का। अरे मेहता साहब, ये जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के अपने सर पे नहीं ली है, ये नट्टू का कर बाघा की गलती है। खुद के साथ बीती तो पता चला, सुबह जो जेवर मेरे पास थे वो भी जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के नहीं ली थी, अंजलि ने ली थी। अच्छा बाबा, सुबह के लिए सॉरी, अभी बदला लेना बंद कीजिए और कोई रास्ता बताइए, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चे का अभी मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बच्चे को उसकी माँ का टेलीफोन नंबर पता है? पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। प्यार से पूछो जेठालाल, बता देगा। अरे मेहता साहब, प्यार से, दुलार से हर तरीका आजमा के देखा, लेकिन ये बच्चा एक नंबर का शरारती है। मतलब उसको नंबर पता है, वो बताता भी है, लेकिन हर बार रॉन्ग नंबर बताता है। जेठालाल, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब कि बच्चे को थोड़ा सा डराओ, गुस्सा दिखाओ, डांटो, पनिशमेंट देने का डर दिखाओ तो जरूर बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, वाह, ये आइडिया अच्छा है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब ये कि ये बच्चे ने हमारे प्यार, हमारे दुलार की तो धजिया उड़ा दी, तो मेहता साहब ने कहा कि अभी उसको डांटो, गुस्सा करो, तो हो सकता है डर के मारे वो शायद अपनी मम्मी का सही नंबर बता दे। नहीं सेठ जी, देखिए तो सही, कितना क्यूट, प्यारा और मासूम सा बच्चा है, इसको हम कैसे डांट सकते हैं? अरे लेकिन हमें उसको सच में थोड़ी डांटना है, खाली डांटने की, गुस्सा करने की एक्टिंग करनी है। यस यस, हम जो भी कर रहे हैं इसके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो चिंटो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ, तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। चलो चलो, जल्दी से बता दो अपनी मम्मी का नंबर, चलो, वरना हम तुम्हें सबके बीच में यहाँ चिड़िया बना देंगे। चिड़िया नहीं बावरी जी, मुर्गा होता है। मुर्गा बना देंगे। हाँ मुर्गा बना देंगे तुम्हें, बोलो बनना है तुमको मुर्गा? बता दो चिंटू, बता दो। चलो बोलो बोलो मम्मी का। अरे बाप रे, सेठ जी ये तो रो रहा है, कुछ कीजिए। चिंटू बेटा बेटा, रोते नहीं, रो क्यों रहा हो बेटा, रोना नहीं बेटा, रोता नहीं बेटा, शांत बेटा, शांत जा बेटा।
बावरी है, बाकी इसको बोल मम्मी को याद ना करे भाई। बच्चा क्यों रो रहे? अरे कहाँ थे आप, अभी संभालिए इसको। सेठ जी, ये चिंटू की मम्मी नहीं है। तो कौन है? मुझे क्या पता। कौन है आप? बताती हूँ, शांत हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? इन्होंने मुझे डांटा, बहुत डांटा। आप एक छोटे से मासूम बच्चे को डांट रहे थे? कैसे इंसान है आप? देखिए मैडम, ये हमारे आपस की बात है, आप ले जाइए यहाँ से। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हूँ। और बच्चों को ऐसे बुरी तरीके से डांटना क्रूरता है, क्रूरता। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। अरे अरे अरे। आपको जेल होगी, जेल। अरे मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी मैडम, दिस इज नॉट अवर फॉल्ट। हम तो बच्चे को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एक बच्चे को डांट कर उसकी मदद कैसे होती है, समझाएंगे जरा मुझे? जरूर, आइए जरा इस तरफ आइए। बड़े बेशरम और बदतमीज है भैया। नहीं नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, वहीं रहिए, वहीं रहिए। मैं यहाँ से समझाता हूँ उसमें क्या है। दरअसल क्या है मैडम, इसकी मम्मी इसको लेकर थोड़ी देर पहले हमारी दुकान में आए खरीदी करने के लिए। आते ही उनको याद है कि अरे मेरा मोबाइल तो मैं गाड़ी में भूल गई हूँ, एक दो मिनट में मोबाइल लेकर भी आई। ऐसा बोल के वो गए तो गए, वापस आए ही नहीं। तो हम सबसे प्यार से इससे इसकी मम्मी का मोबाइल नंबर पूछ रहे, इसको पता है, लेकिन ये इतना शरारती है कि जानबूझ के हमको रॉन्ग नंबर दे रहा है। तो क्या है, अगर इसकी मम्मी का नंबर मिल जाए तो उनको फोन करके हम दोनों का मिलाप करा दे और इस तरह इसकी मदद करे। इसलिए डांट, वो भी झूठ मूठ का डांट रहे थे, सच्ची का नहीं। लेकिन आपके डांटने के नाटक से ये कितना डर गया है। आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जी जी। और रही बात उसकी मम्मी की, तो वो अभी आ जाएगी। आप जानती हैं उनको? नहीं, लेकिन हर माँ जिम्मेदार होती है और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर ज्यादा देर तक कहीं नहीं जाती। ओके ओके, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, मुझे 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जरूर जरूर नटू काका, 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जी जी। उसके लिए आपको जरा काउंटर तक जाना पड़ेगा मैडम, प्लीज। सॉरी है बेटा, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हुई हो तो सॉरी है। मैं झूठ मूठ का डांट रहा था बेटा, झूठ मूठ का। थैंक यू, वेलकम। बाय बेटा। बाय। और आप लोग, जब तक इसकी मम्मी नहीं आ जाती ना, तब तक आप लोग इसका ठीक से ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और डांटना तो बिल्कुल मत। ओह, ये बोल के आप हमें कितना डांट रहे हैं। बेटा आप भी अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना। ओके ओके आंटी। जस्ट लाइक अ गुड बॉय। ये भागा कहाँ रह गया? वो बावरी को बाहर तक छोड़ने के लिए घर तक? जरा फोन करो, कहाँ रह गया वो भागा? आ गया सेठ जी, आ गया। ये आ गया वाड़ी, इतनी देर क्यों लगी? सेठ जी बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, वो बावरी जी रो रहे थे और मैं उन्हें समझा रहा था, इतने में तो लोगों की भीड़ जमा हो गई, उनको लगा मैं बावरी जी को छेड़ रहा हूँ। बता, बावरी ने सबको नहीं समझाया? वो क्या है सेठ जी, बावरी जी तो बिचारी रोने में मशगूल थी, फिर मैंने उन्हें झंझोड़ा, उन्होंने सिचुएशन भापी, फिर सब लोगों को समझाया, तब जाके भीड़ कम हुई, फिर मैंने रिक्शा की और बावरी जी को घर भेज दिया, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अंकल अंकल, अपना मोबाइल दो ना खेलने के लिए। नहीं नहीं बेटा, सॉरी हाँ बेटा, मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं देता, सॉरी। तो अंकल आप दो ना। नहीं वो भी नहीं देता बेटा। नहीं नहीं बेटा, मैं भी अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। हाँ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा बेटा साथ। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, कितना शरारती है ये बच्चा, कहाँ फंसा दिया आपने।
इतना सरल तो टप्पू भी नहीं था। देख बेटा, जिद करते ये गन मुझे दे दो। एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप ये अंकल को बोलो कि अपना मोबाइल मुझे दे। मंजूर मंजूर। नट्टू काका इधर आइए। क्या मंजूर है? पता नहीं वो मेरे मोबाइल के साथ क्या करेगा और आपने मंजूर है बोल दिया। सेठ जी, मोबाइल देने से अगर टीवी बच जाता है तो मोबाइल दे देना चाहिए ना। सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। ले, एक मिला गन मुझे दे। ले भाई। अब हम नया गेम खेलेंगे। कौन सा? मोबाइल हंट। मोबाइल हंट? मोबाइल हंट नहीं सेठ जी, मोबाइल हंट। उसमें क्या होता है? मोबाइल की खोज। अरे बेटा, मोबाइल की खोज तो बरसों पहले हो चुकी है, और क्या खोज करेगा तू? मतलब मैं ये मोबाइल कहीं दुकान में छुपाऊंगा और आपको ढूंढना। नहीं नहीं बेटा, मोबाइल के साथ मस्ती नहीं लाओ। मोबाइल? अरे मोबाइल तो बेटा। अगर आपने अपना मोबाइल ढूंढ लिया तो मैं अपनी मम्मी का फोन नंबर दे दूंगा। क्या वाह क्या वाह। अरे वो हमको उल्लू बना रहा है भाई, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना है। सिद्ध जी, मैं क्या कहता हूँ? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सिद्ध जी, मुझे लगता है ये गेम खेलने के बाद उसकी मम्मी का फोन नंबर हमें दे देगा। अरे लेकिन उसने मेरा मोबाइल कोई फलती जगह पर रख दिया, छुपा दिया और नहीं मिला तो? तो सेठ जी, मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पे फोन करूंगा, रिंग बजेगी तो पता चल ही जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ है। नहीं 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 नहीं, चिटिंग चिटिंग चिटिंग, मैंने सब सुन लिया। आप भी अपना मोबाइल दीजिए, आप भी जल्दी दो। दीजिए दीजिए, जल्दी जल्दी। बेटा ये गलत है। ये ले बेटा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अगर आप आंखें बंद नहीं करेंगे तो मैं मोबाइल कैसे छुपाऊंगा? आंखें बंद कीजिए, घूम जाइए और पूरी एबीसीडी बोलिए। पूरी एबीसीडी? सेठ जी, मैं बोलता हूँ, मुझे पूरी आती है, घूम जाइए। A B C D E F G H I J K L M N P L M N P Q R S T U V W X Y Z। हो गया? हो गया। तो बोलना भाई। रेडी। ढूंढिए ढूंढिए। बागा, सबसे पहले उसकी बैग चेक कर, उसी में होंगे। जी सेठ जी। ढूंढो ढूंढो। सेठ जी, बैग में तो नहीं है। बैग में नहीं है? अरे फिर आगा। नटू काका जी, एक काम कर बागा, लैंडलाइन से मेरे मोबाइल में रिंग बजा, तब तक मैं और नटू काका उसको बातों में जरा बिजी रखते हैं। बेटा तू तो गजब का खिलाड़ी है, है? नंगे साला, ऐसे कैसे छुपा दिए तूने फोन? कहाँ छुपा दिए है? हमको तो मिल ही नहीं रहे। चले बागा जल्दी। सिद्ध जी, जरा आइए ना प्लीज। हम तीनों के मोबाइल में ये नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसा आ रहा है। क्या? मतलब इसने हमारे तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दिए? अरे गजब का लड़का है ये। आइए उसी से बात करते हैं। आइए आइए। चिट्टू बेटा, हमें नहीं मिल रहे हैं मोबाइल है?
कोई तो हिंट दो बेटा। जहाँ पे आपने सबसे पहले मोबाइल चेक किया था उसके बाजू में। सबसे पहले तो बैग में चेक किया था। बाघा, तूने बैग बराबर चेक नहीं की? नहीं सेठ जी, मैंने बैग ठीक से चेक की थी, उसमें नहीं थे मोबाइल। बाजू में, बाजू में, बैग के बाजू में कुछ और भी है। सेठ जी, ये कहीं वाटर बॉटल की तो बात नहीं कर रहा है? वाटर बॉटल? करेक्ट। अरे चेक कर, चेक कर। कर दिया। इधर से ले जाए। सत्यानाश, चिंटू। डांटिए मत सेठ जी। अरे क्या डांटिए मत, हमारे मोबाइल के वाट लगा दिए इसने, अब बोल रहे डांटिए मत। सेठ जी, मैडम आई थी ना बच्चों के अधिकार वाली। क्या मुसीबत है, अरे कौन सा जन्म का बदला लेने आया है ये। सेठ जी, आप मोबाइल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, पानी में डूबे मोबाइल रिपेयर करने में तो मेरी मास्टरी है। ये मोबाइल तो मैं रिपेयर कर दूंगा, आप इसका कुछ कीजिए। कुछ सोचिए सेठ जी, कुछ सोचिए। क्या सोचूं भाई, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। मेरा भी। ये जेठा का मोबाइल लग क्यों नहीं रहा है? दुकान में फोन करता हूं। क्या बागा, देख तो कौन है भाई। जी सेठ जी। हेलो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आगा, जेठो को जरा फोन देना। जी सेठ जी, भिड़े भाई का फोन है। उसको क्या है अभी, उसका बोल मैं अभी भेजे हूँ, बाद में फोन करता हूँ। जी। तो भिड़े को ऐसे शरारती बच्चों का बहुत अनुभव होगा, उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। बागा उसको बोल अर्जेंट है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। एक मिनट है सेठ जी, वो बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है। मुझे भी काम है, ला, 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 बात करनी है मुझे। हेलो भिड़े। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि इस बार मेंटेनेंस का चेक मुझे 2 दिन पहले चाहिए। अरे भाई 2 दिन पहले का, मैं तुझे 2 साल का एडवांस में दे दूंगा, तू पहले मेरी बात सुन। नहीं 2 साल का लेके क्या करूंगा मैं, मुझे सिर्फ 1 महीने का चाहिए, वो भी 2 दिन पहले। ठीक है भाई, 1 महीने का दे दूंगा, मेरी बात तो सुन भाई। हाँ बोलो। क्या है कि मैं यहाँ जरा एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कौन सी मुसीबत? क्या है, थोड़ी देर पहले एक लेडीज कस्टमर मेरी दुकान में आई अपने 7 साल के बेटे को लेकर। अपने बेटे को दुकान में छोड़ के 2 मिनट में अभी आया ऐसा बोल के गई। अभी 2 मिनट का आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तो अभी इसमें मैं क्या करूँ जेठालाल, उसको ढूंढने जाऊँ? अरे भाई ढूंढने जाने का बोला मैंने तुझे, तो मेरी पूरी बात तो सुन भाई। अब ये जो बच्चा है ना, वो इतना शरारती है, नाक में दम कर दिया, पूरी दुकान सर पे उठा लिए। तो क्या है कि कब से हम उसको उसकी मम्मी का फोन नंबर पूछ रहे हैं, वो उसको पता है, वो नंबर दे भी रहा है लेकिन जानबूझ के हर बार गलत नंबर दे रहा है। तो फिर मेरा क्या है, रोज का ये ऐसा शरारती बच्चों के साथ उठना बैठना है ना, तो कोई आइडिया सोचा ना? हाँ वो तो है जेठालाल, शरारती बच्चों के साथ डील करना आसान नहीं है, वो एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। तो मतलब कि अभी वो सीखने के लिए मैं तेरे पास ट्यूशन लेना आऊं? सीधा सीधा आइडिया बता ना भाई। बताता हूँ क्या है, पहला रास्ता ये है कि शरारती बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी की भी बात आसानी से नहीं मानते। इसलिए तुम उसको बहला फुसला के उससे काम निकलवा लो। अरे भाई उसको फुसला फुसला के हम फुस हो गए हैं भाई। ओ, अगर फुसलाने से भी बच्चा नहीं माने तो दूसरा एक रास्ता है। कौन सा? लालच। उसे उसकी मनपसंद चीजों का लालच दिखाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर देखना वो अपने आप उसकी माँ का नंबर दे देगा। ये आइडिया अच्छा है, थैंक यू, ये आजमाता हूँ, चल। अरे सुनो सुनो, वो चेक का याद रखना। अरे हाँ भैया, थैंक यू, चल चल। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा भाई। भाई बिल्डिंग बनाने के लिए आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते, हीरे की परख जोहरी कर सकता है, और बच्चों से कैसे निपटना है ये कोई शिक्षक ही बता सकता है। अब चिंटू की समस्या के निदान के लिए जेठालाल ने मदद मांगी है वर्ल्ड फेमस शिक्षक गोकुलधाम के आत्माराम तुकाराम भिड़े से, और भिड़े ने इस समस्या का उपाय ये बताया है कि बच्चे से उसकी माँ का पता पूछना है तो उसे लालच दिया जाए। तो अब देखना यह है कि जेठालाल इस लालच से पता पा लेंगे या फिर इस लालच के चक्कर में लल्लू बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिंटू की मम्मी है कहाँ, गई कहाँ है, और उसे छोड़ के क्यों गई है। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के हंसते हंसाते जवाब मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस 27 और 28 नवंबर यानी सोमवार और मंगलवार को हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल लेके आ रहे हैं, 1 घंटा स्पेशल दोनों दिन, 27 भी 28 भी।
रात ठीक 8:30 बजे। लेकिन इस वक्त यहाँ चिंटू की मम्मी को ढूंढने के लिए क्या ये प्रयास निष्फल हो जाएंगे या जेठालाल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।